वन माइनस वन वन फिर माइनस वन 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 फिर सी ट्रिपल वन 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 फिर डी टू माइनस थ्री फोर टू माइनस थ्री फोर क्वेश्चन नंबर 30 है ना। अब ग्रुप नंबर ने चार पॉइंट्स को लिया है कि नहीं है, तो अभी आप कहां स्टार्ट करोगे? सबसे पहला पॉइंट क्या पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे? लेट ए बार बी बार बी बार सी बार एंड डी बार बी द पोजीशन वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ हां पोजीशन किसका ऑफ पॉइंट्स ए बी ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। सो ए का ए है बी का बी सी का सी और डी का डी डी। अभी वैल्यूज लिखो। वैल्यू मतलब क्या? ए वेक्टर का कितना वैल्यू होगा देखो बड़ा बताओ। 1 माइनस 1 1 अरे आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर का माइनस आई कैप हां माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप सॉरी प्लस के कैप। फिर डी वेक्टर 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस 4 के कैप। यहां पे ध्यान रखना सबको। फिर अभी आगे का स्टेप क्या है? आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये इतना आपने लिखा क्वेश्चन को देख के, अब हम लोग क्या निकालेंगे? तीन वेक्टर इसमें एक पॉइंट कॉमन हो, एक पॉइंट क्या हो ए बी ए सी और ए डी, या फिर आप ऐसा निकाल सकते हो ए बी बी सी बी डी। ये भी है ना, बात समझ रहे हो लोग? ए बी बता भी सकते हैं कि ए बी ए सी ए डी निकालो। क्यों? क्योंकि सब लोग टर्मिनल पॉइंट क्या उनका ए ही है। इनिशियल पॉइंट क्या है?